हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड भगवान करे आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहो। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो एक हाउसवाइफ का ब्लॉग है। जो भी मैं अपने डेली लाइफ में करती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मछली का है, फिश करी का। तो एक्चुअली बनाने से एक दो घंटे पहले आ गया था, इसलिए मैंने मछली को धो करके साफ करके उसमें हल्दी लगा करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं मसाला पीसने जा रही थी मिक्सी में, बट क्या था ना कि ये जो गार्लिक है, जो लहसुन है, इसको अलग पीसना था और जो सरसों है उसको अलग पीसना था, बट मैंने दोनों को साथ में धो दिया था। तो फिर अलग करके अलग पीसी हूँ। और अलग इसलिए क्योंकि जो लहसुन होता है उससे हम मछली को फ्राई करते हैं हल्दी लहसुन और ये नमक डाल करके। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। नमक तो, हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो नमक अपने स्वाद अनुसार डालें क्योंकि फ्राई फिश भी बहुत लोग खाना पसंद होता है, तो उतना डालें और ध्यान रखें क्योंकि ग्रेवी में भी नमक जाएगा। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है और अभी मैं फ्राई करने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे एंड उसमें डाल दूँगी तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। ये मछली मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं अपने घर में बनाकर खाती हूँ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। और स्पेशली जो मतलब कि कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस जो मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जिस दिन का ब्लॉग है उस दिन मछली बना था, मछली चावल, तो मैं मछली का बस शेयर कर रही हूँ क्योंकि चावल तो ऐसा कुछ शेयर करने वाला कुछ होता नहीं है। तो बस मछली का जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड उसके बाद जो भी मैं अपने घर में काम करूँगी वो सब शेयर करूँगी। तो सब कुछ तो शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आप लोग पूरा देखते नहीं हो और पूरा देखोगे नहीं तो इतना बड़ा डाल कर ही क्या फ़ायदा, मतलब डाल दो और कोई देखे ही नहीं। तो इसलिए मैं अंडर 10 मिनट का डालूँगी, मतलब 10 मिनट के अंदर में डालूँगी, या 5 मिनट का हो, 6 मिनट का हो, 7 मिनट का हो, 8 मिनट का हो, जो भी हो। तो चलो, तेल गर्म हो चुका है और इसमें मछली भी मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए और ये फ्राई हो रहा है। इसको आप अपने हिसाब से फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको फ्राई फिश खाना है, फ्राई किया हुआ बस खाना है, तो थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा डीप फ्राई करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि इसका जो काटा होता है ना वो भी इतना नहीं चुभता है, वो भी एकदम फ्राई हो जाता है। और अगर आपको फ्राई नहीं खाना है तो इतना ज़्यादा डीप फ्राई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट ज़्यादातर लोग खाते ही होंगे आई थिंक, तो इसलिए डीप फ्राई इस तरह का फ्राई कर लो जैसे मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। इतना रेड रेड बहुत ही यम्मी लगता है खाने में ऐसा वाला। तो ये देखिए, अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ किस तरह का दिख रहा है अभी ये। तो ये देखिए, एक बार में 4 से 5 ही फिश रखो अगर कढ़ाई आपका मीडियम साइज़ का इस तरह का हो तो, क्योंकि मतलब कि जब फ्राई होता है फिश तो एक दूसरे में सटना नहीं चाहिए क्योंकि अगर सट जाएगा तो फिर उसको पलटने में बनेगा नहीं, दिक्कत होगा और फिर टूट जाएगा, और फिश टूटना नहीं चाहिए क्योंकि टूट जाएगा तो फिर उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर का काटा निकल जाएगा, मतलब अजीब हो जाएगा, टूटना नहीं चाहिए फिश। इसलिए बहुत ज़्यादा जो होता है स्लो आँच पर भी नहीं पकाना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाना होता है, मीडियम ही रखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज़ रखो और फिर उसको गलाना भी है थोड़ा सा, इसलिए फिर बीच में थोड़ा सा मीडियम रखो। तो मैं साथ साथ में कुछ काम कर ले रही हूँ जिसमें मछली धोया था वो साफ़ कर रही हूँ और कुछ ऐसे बर्तन है जो कि वहाँ पर रखे हुए, तो सोच रही हूँ साथ साथ में काम कर लो। और अगर आप फिश वगैरह बना रहे हो तो रहना तो पड़ेगा किचन में ही क्योंकि उसको उल्टाना पलटाना भी पड़ता है, बट क्या है ना कि बोर हो जाते हैं खड़े खड़े, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कुछ कुछ काम कर लो तो साथ में तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला जो पीसा था वो दिखा रही थी आपको, इसमें सरसों और थोड़ा सा लहसुन उसमें भी है जो कि मैं पीस ली। और यहाँ पे दूसरा राउंड का वो मैं वो मछली फ्राई जो है वो निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए, और आप बताइए कैसा दिख रहा है ये फ्राई मछली, फ्राई फिश एकदम डीप फ्राई है, मतलब इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो जल ही जाएगा। तो इतना जो फ्राई किया हुआ होता है फिश वो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, अगर आप फ्राई फिश पसंद करते हो खाना तो। और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस लहसुन और हल्दी नमक मिलाया हुआ रहता है। तो अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हो, कढ़ी नहीं बनाना चाहते हो, तो ऐसे भी खा सकते हो।
और इसके बाद आई मसाले की बारी। तो तेल तो गरम था ही, उसी तेल में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड डाल देना है, जो कि सरसों होता है वो डाल देना है, और उसमें जो भी मसाला था वो पिसा हुआ वो डाल करके, और थोड़ा सा अलग से भी मतलब कि ये धनिया का पाउडर जो होता है वो डाल दीजिए, और फिर अपने स्वाद अनुसार मिर्ची डालिए, जितना तीखा आपको पसंद है, वैसे मछली जो होता है तीखा ही अच्छा लगता है, तो मिर्ची डाल दीजिए, और जितना नमक आपने फ्राई में डाला है उस हिसाब से फिर से इसमें नमक डाल दीजिए। और ज़्यादा मसाला तो रखना होता नहीं है, गरम मसाला चिकन मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, अगर आप चाहो तो प्याज भी पीस सकते हो, प्याज भी पिसा हुआ बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं इसमें नहीं पीस पाई थी, वैसे मैं भी पीसती हूँ। तो देखिए मछली तैयार हो चुका है, तो चलिए अब और काम कर लेते हैं। तो उसके बाद जो काम बचा था वो था क्लीनिंग का, तो पूरे घर को साफ़ करना तो डेली का काम होता है, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो डेली ये सब नहीं करता होगा। अच्छा, बहुत लोग बोर भी हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं, जो भी देखते हैं सोचते हैं कि यार ये सब तो हम भी करते हैं अपने घर में, ये क्या दिखा रही है। तो भाई ब्लॉग का क्या मतलब होता है, ब्लॉग का वही मतलब होता है जो आप अपने घर में करते हो, जो आपकी दिनचर्या है वही आप शेयर करोगे। तो हम हाउसवाइफ क्या करते हैं अपने घर में, खाना पकाते हैं, घर को साफ़ करते हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और मतलब यही सब होता है, तो यही सब दिखाएंगे, और कुछ तो दिखा नहीं सकते। और कुछ अगर दिखाएंगे तो वो कभी कभी होता है, जैसे कि किसी का अगर मतलब कि अलग, और कुछ का अलग चैनल भी होता है, जैसे कि कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, तो डांसिंग का अलग चैनल होता है, सिंगिंग का अलग चैनल होता है, कोई खाना बनाता है रेसिपी शेयर करता है तो उसका किचन का अलग चैनल होता है, तो हर चैनल अलग अलग है। तो देखने वाले बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार क्या अपने वीडियो में झाड़ू पोछा दिखाते रहते हो, तो उनको नहीं पता होता है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब हम भी YouTube पे नहीं थे तो हमें भी पता नहीं था कि मतलब किस तरह का वीडियो का क्या चैनल का नाम होना चाहिए, और बहुत लोगों को पता भी होता है। तो मैं बता दूं कि जो ब्लॉग होता है उसमें यही शेयर करते हैं हम, जो करते हैं घर में, तो जो जैसा करता है घर में वही शेयर करता है, जो झाड़ू पोछा नहीं करता होगा वो नहीं शेयर करता होगा, या फिर बहुत लोग करते भी हैं तो नहीं शेयर करते, जैसे कि मैं बहुत दिन से नहीं कर रही थी, और कभी कभी कर भी देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं लोग बोर हो रहे होंगे तो नहीं डालते हैं, और फिर कभी कभी सोचते हैं कि यार डाले तो डाले क्या, क्योंकि वीडियो तो हमें बनाना है, ये हमारा काम है, तो वही डालेंगे ना जो हम कर रहे हैं। अब जैसे ये सब कर रहे हैं, इसके बाद भी क्या करें, इतना करके तो थक जाएंगे, तो इसके बाद ऐसा क्या करें जो स्पेशली वीडियो में दिखाए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कुछ अलग करना है तो कुछ अलग का अलग चैनल होता है, जो सिंगिंग का होता है, जो डांसिंग का होता है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जो फूड का चैनल होता है, सबका अलग अलग होता है, तो जिसे जो देखने का मन होता है वो उस चैनल पे जाके देख सकते हैं, कि मतलब मुझे सिंगिंग देखना है तो भजन कीर्तन जो भी देखना है उस चैनल पे देख सकते हैं, बट ब्लॉग में वही शेयर होगा जो लोग करते हैं। तो बस हमारा क्लीनिंग चालू है, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बट वीडियो ख़त्म हो गया है, तो चलिए बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे, ये वीडियो नहीं होगा, अच्छा सा वीडियो होगा, तो चलिए बाय।